ओम शांति। आज 30 नवंबर 1992 की अभ्यर्थवाणी, टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। बाबा कहते हैं दुआओं के खजाने से संपन्न बनना। आज दुआओं के खजाने से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने ज्ञानी तो आत्मा बच्चों प्रति बोले, आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ना सभी संपन्न बच्चे बाबा के? मैं हाँ जी बाबा। हरेक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखूट खजाने मिले हैं, और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी है और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? पूछ रहे बाबा। खजानों से सदा प्राप्ति होती है, यदि जानते होंगे तो प्राप्ति होगी। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है, संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है, और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं की अविनाशी खजानों की प्राप्ति है। वैसे देखा जाए तो दुनियावी लोगों को विनाशी खजानों की प्राप्ति, मनुष्य आत्मा, और बाबा के बच्चे जो हम बन गए हैं उनको अविनाशी खजानों की प्राप्ति है। मनुष्य आत्माओं को तो विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है और साथ भी नहीं रहता है। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। जाना है ना हम सभी को भरपूर होकर, हाथ ऊपर करें। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है, बाबा के बच्चे बन गए, कोर्स हुआ, सबसे पहले तो ज्ञान रत्नों का खजाना मिला ना। है हाँ जी बाबा। बाबा पूछते हैं कोई वंचित तो नहीं रह गया है? इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, यह तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो ना? कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो। कि अभी मुक्त होना है, क्या कहेंगे? दुख अशांति के कारणों से मुक्त हो गए, अभी भी होना बाकी? बाबा पूछते हैं अभी कोई विकार तो नहीं आता है? मुक्त हो गए हो, अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना, पास कर लेते हो ना उस एग्जाम को भी। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो? लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो भी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प कर्म जो विकर्म थे, व्यर्थ और विकल्प, ये विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है ना। अच्छा डेफिनेशन आज बाबा ने, जीवन मुक्त अवस्था अर्थात व्यर्थ विकल्प विकर्मों से मुक्त होना। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हो ना कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं की बंधी हुई है। यह किसका चित्र है? आप तो वो नहीं हो ना, हम तो अभी बंधे हुए नहीं है ना वो रस्सियों से, आप तो मुक्त हो ना। है हाँ जी बाबा। जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की
प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। पहला कहा बाबा ने ज्ञान का खजाना, दूसरा खजाना है याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना, 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाती हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। बाबा कहते हैं 8 शक्ति अभी केवल सैंपल है, परंतु हम बच्चे सर्व खजानों के मालिक है ना, मालिक से भी ऊपर करें। फिर तीसरा है धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है, सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना, तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 खजाने, और 5वां खजाना जो है उसको हम कल डिस्कस करते हैं। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे बाबा के घर के लिए संगठन में। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की। कल सुबह लाइव मिलेंगे अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, 4:30 से 5। ओम शांति।